गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम आपको इस वीडियो में, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, आज ट्रिग्नोमेट्री का जो सेकंड पार्ट है वो करवाएंगे, जो हमारा एंगलों के पर यानी कि कोण के आधार पर डिपेंड है। कोण के आधार पर डिपेंड है, ये आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस प्रकार से ही हमारे होते हैं और इसके अंदर एक्सरसाइज जो वो है 8.2। इस एक्सरसाइज के अंदर केवल कोणों का प्रयोग किया जाएगा, कोणों का प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पर थीटा एंगल है, ये एक लाइन डिग्री होता है और ये हम ए बी और सी मानते हैं। तो इस प्रकार से ये एंगल आपका हो जाएगा। यहाँ पर इसके जो नियम यूज होगा, जैसे नियम फर्स्ट है साइन 90 माइनस थीटा, अगर 90 डिग्री में कोई भी एंगल घटाएं हम तो वो एंगल चेंज हो जाता है और ये हमारे पास हो जाता है बराबर है कोस थीटा। और ये इसका अपोजिट भी है, अगर कोस में 90 में थीटा माइनस करेंगे तो ये हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से इसके अंदर दिया हुआ है। इसमें आपको ये भी पता था कि ये हम लाल बटा थक्का इसके आधार पर प्रयोग किया गया था। ये हमारा साइन है, ये हमारा कोस है और ये हमारा टेन है। और इसका यदि हम उल्टा लेते हैं, रिपीट करते हैं, जैसे हम लेंगे लंब बटा कर्ण तो हमारा साइन हो गया, लेकिन कर्ण बटा लंब लेंगे तो कोसेकेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसेकेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एंगल इसमें यूज किए गए हैं। दूसरा जो है वो भी इसी प्रकार से इसके अंदर यूज किया जाएगा। जैसे इसके अंदर दिया हुआ है टेन, टेन 90 माइनस थीटा, तो ये हमारे पास कोटेंजेंट या कोट थीटा बोलते हैं। और कोट में से यदि हम थीटा माइनस करेंगे 90 में से तो ये हमारे पास टेन थीटा हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है अगला जो है वो हमारा सीकेंट थीटा है। सीकेंट थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा में यदि 90 में हम ये जो माइनस करते हैं तो ये हमारा सेकेंट थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंट थीटा। तो इस प्रकार से जो है ये छह नियम है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो इसमें तीन नियम बनते हैं और उसके बाद इसका प्रयोग तो होना ही है। ये एंगल का प्रयोग किया जाएगा इस एक्सरसाइज के अंदर, केवल इनका प्रयोग किया जाएगा। और ये थीटा लेते हैं और ये यदि एंगल ले तो ये हम 90 माइनस थीटा डिग्री हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से इसका यूज किया जाएगा। तो ये एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा। इससे पहले भी एक्सरसाइज के अंदर इस प्रकार का यूज किया गया था, जैसे कई बार होता था, जैसे साइन सी था कोस ए था तो हमने इसके एंगल को बदला था। तो उसमें हमने क्या किया था, पहले हमने इसको आधार माना था, इसको लंब माना, लेकिन अगर ये एंगल हम निकालेंगे तो इसको आधार मानेंगे, ये हम लंब मानेंगे। तो इसका प्रयोग इसमें किया गया था पहले भी। और अब जो है इसमें देखिए किस प्रकार से इसका यूज करना है। देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर दिया हुआ है जो हमारे एंगल्स हैं उनका मान 0 और 1 के बीच में होता है। तो
तो यहां पर जैसे एंगल जो दिए हुए हैं वो यहां पर इसमें सभी में वही है, साइन है, ठीक है। मान लीजिए आप थीटा एंगल मानते हैं तो साइन थीटा हो गया, उसके बाद कोस थीटा हो गया, उसके बाद टेन थीटा हो गया, और इसका जो विपरीत उल्टा है वो कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट थीटा होता है, और इसका जो है सेकेंट थीटा होता है, और इसका टेन मतलब क्या होता है, कोट थीटा होता है, क्या होता है, कोट थीटा होता है। ये आपके इस प्रकार से जो है एंगल हो गया। अब हमारे पास इसमें एंगल कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये इस प्रकार से एंगल दिए हुए होते हैं। तो यहां पर जैसे साइन 0 होता है, साइन 0 होता है और ये हमारा 1/2 होता है, और इसको यदि हम करें तो ये 1/√2 होता है, और ये 3/2, और साइन 90 डिग्री है वो 1 होता है। अब इसका उल्टा है कोस, ये पहले आ जाएगा 1, ये 3/√2 और ये 1/√2 और ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ओके। अब इन दोनों को डिवाइड करते हुए हम साइन बटे कोस, इसमें पहले फॉर्मूले यूज किए थे साइन कोस टेन होता है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1/√3 हो जाएगा, और यहां पर 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर 3/√3 हो जाएगा, और ये जो है इसको डिवाइड करेंगे 1/0, 1/0 ये इंफिनिटी बोलते हैं इसको, या अपरिभाषित इसको कहते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित ये निशान होता है, इंफिनिटी है, इंफिनिटी और इंफिनिटी। इसका मतलब है कि अभी आप इसकी इसका पता ही नहीं लग रहा है कि इसका मान क्या करना है, तो आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसका ऑपोजिट करेंगे तो ये हो गया, इसका करेंगे तो 1/√3, और इसका 1/√3 और ये हमारा 0 हो गया। अब हमारे पास क्या करना है, सीकेंट का लेना है, तो सीकेंट का इसका उल्टा है, इसका अपोजिट है ये, ठीक है, इसका अपोजिट है, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2/√3 हो गया, ठीक है, और ये हमारा 2 हो गया, ठीक है, और ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये फिर वही इंफिनिटी हो जाएगा, सेकंड का इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप जो है इसको करेंगे, ये कोण का है, ये इंफिनिटी हो जाता है, और ये हमारा ये कोण टेन का अपोजिट होता है, टेन का अपोजिट होता है, ठीक है, ये साइन का अपोजिट होता है, ये जो है ये साइन का अपोजिट होता है, कोसेकेंट है ना, कोसेकेंट जो है ये 2 आया, इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट होता है उल्टा होता है, और ये 1/√2 आएगा, और ये 2/√3, और ये हमारा 1 हो, ये हमारा 1 आ जाएगा, ये और ये हमारा है कोसेकेंट है, तो ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसके लिए है, और उसके बाद ये सेकंड में है 1, और ये अपोजिट हो गया 2, ये इसका है 1/√2, ये हो गया, और ये हमारा ठीक है हो गया। उसके बाद है कोण, कोण के अंदर ये हो गया इंफिनिटी हो गया, ये हमारा 1/√2 इसका 10 का उल्टा लिया है 1/√3, ठीक है, और ये हमारा 1, और ये हमारा अपोजिट करेंगे तो 1/√3, और ये हमारा हो गया 0। तो ये वैल्यू जो है वो हमने उसमें रखनी है, और फिर इसका सॉल्यूशन करना है, ये इस टेबल का प्रयोग किया जाएगा। इसका शॉर्ट और भी तरीका है, देखिए कैसे निकाले, मान लीजिए आपको याद नहीं है,
में जो है आप चार कर देंगे, चार से इसको भाग कर देंगे सभी को, ये आपको इसको आप जब इसका वर्गमूल करेंगे, इसका इसको वर्गमूल कर दो, अंडर रूट निकाल दो सभी का, इसको चार से कर दो, इसका इसका भी और इसका भी। देखिए ये साइन की वैल्यू निकलेगी, फिर उसके बाद कोस की वैल्यू निकल जाएगी, इसका उल्टा करके। मान लीजिए आपको कोई याद नहीं है, उसके लिए शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, मान लो याद ही नहीं है कोई भी वैल्यू याद नहीं है, तो आप उससे वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका क्या हो गया, जीरो भाई, जीरो बटा चार है तो जीरो, जीरो को वर्गमूल करेंगे जीरो, इसका करेंगे तो एक बटा दो, इसका करेंगे वर्गमूल एक का करेंगे तो वर्गमूल एक ही आएगा, एक ही आएगा, और इसका चार का करेंगे दो आ गया। अब इसका करेंगे तो क्या हो गया, इसका करेंगे तो वर्गमूल दो आ गया और बटे में दो। लेकिन ये नियम है, यदि ऊपर की संख्या वर्गमूल है तो उसको इस प्रकार से वर्गमूल और वर्गमूल दो से हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्गमूल दो वर्गमूल चार, यानी कि दो और बटे में दो वर्गमूल दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक बटा वर्गमूल दो आ जाएगा, एक बटा वर्गमूल दो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसका करेंगे तो ये वर्गमूल तीन हो गया, और इसका करेंगे दो और ये चार बटे चार, एक एक का वर्गमूल करेंगे तो एक, ये वैल्यू आ गई ना, देखिए साइन साइन। अब इसको कोस बनाना है तो इसको पहले ले लेंगे, इसको दूसरे पे ले लेंगे, साइन 60 है तो कोस 30 होगा, और ये इस प्रकार से इसका वैल्यू हो जाएगा। 45 का वैल्यू तो सेम रहती है, उसमें चेंज नहीं होता, वो लगभग सेम रहती है। ठीक है, वो चाहे इसको इधर ले के आओ चाहे वो इसको इधर ले के आओ, केवल ये दो वैल्यू चेंज होती है, 90 है तो 0 हो जाएगी, 0 है तो 90 हो जाएगी। अब इसको दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो टेन आ जाएगा, टेन का अपोजिट करेंगे तो हमारे पास कोटेंजेंट आ जाएगा, साइन का पॉजिटिव करेंगे तो कोसेकेंट आ जाएगा, और कोस का पॉजिटिव करेंगे तो सीकेंट आ जाएगा। तो आप उससे वैल्यू सभी निकाल सकते हैं, ये आप पहले फार्मूले लिखवाए हुए हैं, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है ये आप निकाल सकते हैं। ओके, अब आप नेक्स्ट देखिए कैसे करना है इसको, आगे हम कर रहे हैं। और जमा में दिया हुआ है कोसेकेंट 30,
कोसिनेंट 30 डिग्री ये दिया हुआ है। तो इसके अंदर कोस पैनलाइज नहीं है, कोस पैनलाइज क्या होता है, एक बटा वर्ग रूट दो ये होता है, और ये क्या होता है सिकेंट 30, सिकेंट 30 होता है दो, दो बटा वर्ग रूट तीन, दो बटा वर्ग रूट तीन, और कोसिकेंट 30 क्या होता है, कोसिकेंट 30 होता है दो, कोसिकेंट 30 क्या होता है दो, तो इसके हम बटेंगे कर देंगे। अब हम क्या करेंगे इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो वर्ग रूट तीन हो गया, और यहां पर लिखेंगे तो दो जमा दो वर्ग रूट तीन ये हो गया यहां से, ठीक है। अब इसको उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एक बटा दो डिवाइड करेंगे तो वर्ग रूट तीन ऊपर हो गया, और यहां पर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा दो जमा दो वर्ग रूट तीन, ये आपका हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया वर्ग रूट तीन, और बटेंगे क्या करेंगे इसको, इससे गुणा करेंगे तो दो वर्ग रूट दो जमा दो वर्ग रूट छह, ये दो की छह। इसमें ध्यान रखना है वर्गमूल के साथ यदि कोई बगैर वर्गमूल की संख्या गुणा हो रही है तो उसको अलग लिखेंगे, जैसे इसको अलग लिख दिया दो, ये अलग लिख दिया वर्गमूल अलग लिख दिया, ये वर्गमूल है ये वर्गमूल, इसलिए दोनों की गुणा हो जाएगी, दो की छह ये आपका, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना है, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, यही आंसर हो गया वैसे तो, लेकिन हमें क्योंकि वर्गमूल आ रहा है इसलिए इसको हमने परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वर्गमूल तीन बटे में दो वर्गमूल दो जमा दो वर्गमूल छह, और मल्टीप्लाई करेंगे तो दो वर्गमूल दो घटा दो वर्गमूल छह और बटे में दो वर्गमूल दो घटा दो वर्गमूल छह, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आप आगे देखिए कैसे करना है इसको, अब इनकी गुणा करनी है, गुणा करेंगे इसको इससे गुणा कर देंगे, तो सबसे ऊपर पहले क्या करेंगे, ये हो गया दो वर्गमूल तीन गुण छह घटा दो और छत्तीस अठारह बटे में, ये तो ए जमा बी और ए घटा बी फार्मूला है, ये है इसमें, इसके अंदर ये फार्मूला यूज करना है, ए जमा बी और ए घटा बी बराबर होता है ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करना है। तो यहां पर हम यूज करेंगे दो वर्गमूल दो का स्क्वायर घटा दो वर्गमूल छह इसका स्क्वायर, ये आपको कर देना है। उसके बाद देखिए आप, अब इसके बाद में इनको अलग अलग करना है, इसका जब आप करेंगे वर्गमूल देखिए दो वर्गमूल दो गुणा में दो वर्गमूल दो, ये देखिए दो दूनी चार चार हो गया, और वर्गमूल दो वर्गमूल दो वर्गमूल चार उसका वर्गमूल करेंगे दो, तो ये कितना हो गया चार दूनी आठ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना, इसका भी आप यदि आप करना चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे दो से भाग कर देंगे, दो से भाग ना कोण ले लेंगे, दो कोण ले लेंगे तो ये वर्गमूल छह हो गया, और ये कितना हो गया वर्गमूल अठारह, ये आपका हो गया, और बटे में ये हो गया, ठीक है। अब वर्गमूल अठारह जो है उसका भी कर दिए, वर्गमूल करिए तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो वर्गमूल करेंगे तो ये आ जाएगा यहां, इसको देखिए इसमें थोड़ा यहां बढ़ेंगे हम, इसको करेंगे तो 18 जो है वो आ जाएगा नौ गुणा में दो, और इसका वर्गमूल करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा तीन वर्गमूल दो, ये आ जाएगा, ये वर्गमूल 18 की वैल्यू हो गई, ये ध्यान रखना है कि मैं साइड में लिख रहा हूं सभी, वर्गमूल 18 की वैल्यू ये आ जाएगी, तो यहां पर क्या करेंगे तीन दो कॉमन आ गया, दो तो कॉमन आ गया और तीन वर्गमूल दो, ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहां पर आप करेंगे तो वो आठ हो गया, यहां करेंगे तो सेम देखिए इसी प्रकार से इसका यूज करेंगे, यहां कर देता हूं मैं,
ये आपको, ठीक है। तो यहां पर कितना था 24, ओके। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब 24 में से 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 16। तो यहां पर कितना था 2 वर्गमूल 6 घटा 3 वर्गमूल 2, ये हो गया। और यहां पर कितना घटा थे 16, ये कट जाएगा, घटा के 16 है तो माइनस के 8, ये हो गया। क्या हो गया हमारे पास, अब माइनस का 8 है, ये है वर्गमूल 6 घटा 3 वर्गमूल 2, ये आपको और बटे की माइनस किया। अब माइनस 8 यहां पर है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहां पर 3 वर्गमूल 2 और जमा में जो है 6 हो जाएगा और ये आपका, ये आपका आंसर, ये आपका इस प्रकार से इसका आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसका सेकंड जो पार्ट है वो विधेय क्रिया कैसे करना है, इसके अंदर वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट पार्ट इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है 2 10 30 और बटे में दिया हुआ है 1 जमा 10 का वर्ग और 23, ये दिया हुआ है। अब आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसका मान आपको याद होना चाहिए, जैसे 10 30 क्या होता है। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आप सवाल नहीं हल कर सकते, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 और 30 का होता है 1/3 और 1 जमा 1/3 इसका वर्ग, ये वर्ग है, ये वर्ग, यहां पर 2/3 हो गया बटे 3, इसको गुणा करेंगे, ठीक है, हो गया। यहां पर क्या करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे 3 या ले, तो 1 जमा 1/3 ये हो गया, ठीक है। अब इसका लघुगणक लेंगे आप 3, तो 3 जमा 1, तो ये हमारे पास 2/3 और जब ये ऊपर जाएगा तो 3 और बटे में क्या होगा 6, यही तो है, ठीक है। यहां से 2 से ऊपर कट गया और ये हमारे पास, जब इसका हम वर्गमूल करते हैं तो नीचे जो वर्गमूल आता है उसकी वैल्यू परिमेयकरण करते हैं दोबारा हल्का परिमेयकरण, तो हल्का परिमेयकरण करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 3/√3 और वर्गमूल 3 से इसको गुणा कर देंगे और ऐसे ही वर्गमूल 3 से ही इसको भाग कर देंगे, तो ये हमारे पास 3/√3 आ गया बटे में, ठीक है। ये हमारे पास क्या जाएगा बटे में, बटे में आ जाएगा 3/6। अब इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 * 3 और 3 * 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया वर्गमूल 3/2, यहां पर क्या जाएगा ये वर्गमूल 3/2, और वर्गमूल 3/2 किसकी वैल्यू होती है, वर्गमूल 3/2 होती है साइन 60 डिग्री। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ है साइन 60, वो आपका पहला ऑप्शन दिया है, इसलिए वो आंसर ओके है। इस प्रकार जो सभी क्वेश्चन ऐसे ही आपको करने हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन 10 और दिया हुआ है, देखिए थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो 10 के ऊपर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहां पर 10 जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 a + b और ये दी हुई है वर्गमूल 3, ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ओके। और दूसरा दिया हुआ है 10 a - b 1/√3, ये दिया हुआ है। अब ये देखिए इसके अंदर क्या है, 10 √3 किसका मान है, तो ये हम अगर हम करें तो ये हम है, ये है 10 60 डिग्री का मान है, 10 60 डिग्री होता है, और ये किसका है 10 30 का मान है,
10 इज कॉमन, तो यहां पर लिखेंगे ए प्लस बी बराबर हो गया, ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया, बराबर कितना हो गया, वर्गमूल ए प्लस बी वर्गमूल 30, तो वर्गमूल 3 हो गया, ठीक है, यानी कि क्या कितने के बराबर हो गया, 60 डिग्री के बराबर हो गया, ये 60 डिग्री के बराबर, 60 डिग्री, और ए माइनस बी ये है 30 डिग्री हो गया, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, अब दोनों को घटाने का, समीकरण 1 और 2 घटाने का घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये 2a हो गया, जोड़ने पर 2 होगा, इसको बीच में आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, जोड़ देंगे तो 2a हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, और 2a बराबर 90, a बराबर कितना हो गया, 90 बटे में 2 45 डिग्री, ठीक है, एक वैल्यू आई और बी की वैल्यू, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने, एक में रखने पर, तो यहां पर ए जमा बी बराबर 60 और ए की वैल्यू कितनी है 45, तो ये 45 रख दिया, ये बी हो गया और ये 60, तो बी बराबर कितना हो गया, 60 बटा 45 बराबर 15, ये आपका दोनों की वैल्यू हो गई, ये 15 गया और ये 45 आ गया, इसलिए ये इसकी वैल्यू होगी, तो ए की वैल्यू 45 है, बी की वैल्यू 15 डिग्री है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे जो है इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, तो इसमें पहला जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहले में क्वेश्चन नंबर 4 में पहला ये असत्य है, क्या है, असत्य है, दूसरा दूसरा जो है वो सत्य है, क्या है, सत्य है, वृद्धि करने पर साइन थीटा वृद्धि होती है, और इसमें तीसरा असत्य है, तीसरा, और चौथा, चौथा है थीटा के सभी मानों में साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये भी ऐसा सकते हैं, और पांचवा, पांचवा जो है ए 0 डिग्री है, कोस थीटा परिभाषित नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है, इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है और ये एक्सरसाइज भी आपकी खत्म होती है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।